व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्न वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों हमारा आज का व्यंजन है स्वीट कॉर्न सूप इस बदलते मौसम में स्वीट कॉर्न सूप सेहत के लिए भी बहुत अच्छा और स्वाद में तो होता ही लाजवाब है तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप घर में कैसे बनाया जा सकता है चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमें एक वेजिटेबल स्टॉक बना कर तैयार करना होगा उसके लिए आप सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद की। मेरे पास आज थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी बीन्स है तो मैंने आधा आधा कटोरी दोनों के ले ली और बारीक बारीक इसे काट लिया है आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं शलजम डाल सकते हैं हरी प्याज डाल सकते हैं लेकिन टमाटर ना डालें इसका टेस्ट हमें खट्टा नहीं करना है अब क्योंकि हम स्वीट कॉर्न सूप बना रहे हैं तो हमें चाहिए कॉर्न के दाने आप फ्रोज़न ले सकते हैं नॉर्मल ले सकते हैं तो मैंने आधा कटोरी साबित दाने लिए हैं और इतने ही दाने मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया पानी के साथ थोड़ा मिक्सी में जो मटेरियल था उसको मैंने समेट भी लिया पानी डाल थोड़ा सा लिक्विड ही भी हो गया लेकिन पकना ही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता थोड़े से विनेगर में मैंने हरी मिर्च के टुकड़े काट कर डाल दिए हैं इसे हम सूप सर्व करते टाइम इस्तेमाल करेंगे वैसे ये ऑप्शनल है अगर आपको तीखा खट्टा टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं अब एक पैन में एक बड़ा चम्मच भर के हम मक्खन डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे सूप को मक्खन में बनाने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है घी या तेल से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता हल्का सा मक्खन मेल्ट हो जाए उसके बाद ही हम सब्जियां डालेंगे और आप देख सकते हैं बस ये हल्का सा मेल्ट हुआ मैंने डाल दी गाजर और साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ बीन्स अब आज को हम धीमी रखेंगे और एक से डेढ़ मिनट तक इन सब्जियों को हम मक्खन में सौटे करेंगे सब्जियां हल्की सी पक चुकी हैं अब इसमें हम आधा लीटर के करीब पानी डाल देंगे यानी कि दो कप पानी हमें इसमें डालना है तेज आंच पर सब्जियों को तीन से चार मिनट तक पकाएंगे सब्जियां हल्की पक जानी चाहिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न का पेस्ट जो हमने तैयार किया है साथ ही साथ स्वीट कॉर्न के दाने भी इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा गार्लिक पाउडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूप में लेकिन अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो दो तीन लहसुन की कलियां क्रश करके भी आप डाल सकते हैं या लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च ये सब मैं एक चौथाई चम्मच के करीब ही डाल रही हूँ इसके बाद हमें डालना है एक चम्मच चीनी क्योंकि स्वीट कॉर्न सूप बना रहे हैं तो इसका टेस्ट हल्का सा मीठा होता है और बस अब हम नमक डालेंगे मैं एक तिहाई चम्मच डाल रही हूँ आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं अच्छे से एक बार फिर से मिला लेंगे और लगभग पाँच मिनट तक तेज आंच पर इसे फिर से यूं ही पकने देना है और पाँच मिनट के बाद ये सूप लगभग तैयार हो चुका है आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं लेकिन अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना होगा तो डेढ़ चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर एक कटोरी में ले लिया है थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे मैं डिज़ोल्व कर लूँगी कॉर्नफ्लोर को हमेशा ठंडे पानी में ही डिज़ोल्व करना चाहिए वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं और ठंडे पानी में ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसे मैंने घोल लिया अच्छे से और इस घोल को हम इस उबलते हुए सूप में डाल देंगे और आज को भी तेज ही रखा हुआ है मैंने और इसे मैं पकने दूंगी दो तीन मिनट और पकाएंगे जिससे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए और आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालते साथ ही सूप कितनी जल्दी से गाढ़ा होने लगा है हो गया ना बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल गाढ़ा गाढ़ा सूप ये देखिए बस ये हो चुका है तैयार और अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ गर्मा गर्म सूप को मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है अब बारी से सर्व करने की तो ये जो विनेगर हमने तैयार करके रखा है मिर्ची वाला थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सिरका सूप में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं उसके स्वाद को समेट लेता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है थोड़ा सा डाल रही हूँ ज़्यादा नहीं डालना है हमें खट्टा नहीं करना है मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मक्खन मक्खन डालने से भी सूप का स्वाद बहुत अच्छा आता है वैसे आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है चाहे तो इसे भी अवॉइड कर सकते हैं तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म स्वाद और सेहत से भरपूर स्वीट कॉर्न सूप है ना कितनी आसान सी रेसिपी और कितनी मज़ेदार घर पर इसे बनाइए और अपने परिवार को इस बदलते मौसम में ज़रूर पिलाइए दोस्तों आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को लाइक करें शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्त बेल आइकन को भी जरूर हिट करें जिससे कि हमारी सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी नमस्कार